नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी का हर एक डाउट क्लियर करने वाला हूं, जीरो से लेकर एंड तक, जिसमें मैं आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी R1, R2, R3B, HSN कोड से लेकर सब कुछ बताने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं हूं विनोद। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोज लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे हमने यहाँ पर पहले से ही कमल सेल्स के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर रखी है। अब मैं इस कंपनी को पहले डिलीट करूंगा और आपके सामने एक नई कंपनी क्रिएट करूंगा, बिल्कुल फ्रेश और फ्रेशली तरीके से आपको जीरो से लेकर एंड तक सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt+K। जैसे ही आप Alt+K प्रेस करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा शट कंपनी का, तो इस कंपनी को हम शट कर देते हैं यानी बंद कर देते हैं। यहाँ पर जा करके आप क्लिक करिए और यहाँ पर प्रेस कर दीजिए एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपकी कमल नाम की जो कंपनी थी वो शट हो गई है। अब हम यहाँ पर एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। आप जैसे ही क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कंपनी क्रिएट होने का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम डाल दीजिए, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर Naira PVT.LTD, यानी Naira प्राइवेट लिमिटेड नाम से मैंने कंपनी क्रिएट किया है। इसके बाद इसको एंटर करके यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है तो एड्रेस फिल कर दीजिए और यहाँ पर आप अपना स्टेट डाल सकते हैं, जो भी स्टेट है हमारा। तो हम यहाँ पर स्टेट लेते हैं दिल्ली। स्टेट लेना कंपलसरी है, अगर आप स्टेट नहीं लेते हैं तो आपका यहाँ पर CGST और SGST आपका शो नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कंपनी क्रिएट करें तो वहाँ पर स्टेट आपको ज़रूर सेलेक्ट करना है। इसके बाद कंट्री ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पर अपना पिन कोड डाल दीजिए, टेलीफोन नंबर डाल दीजिए, फैक्स नंबर डाल दीजिए, ईमेल और वेबसाइट डाल दीजिए और उसके बाद सिंपली एंटर एंटर करके इसको सेव कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर Ctrl+A कर देता हूँ, क्विक क्रिएशन, बाकी डिटेल मैं बाद में फिल करूँगा। अब यहाँ पर आपके सामने देखेंगे एक नया इंटरफेस आपके सामने शो होगा, एक डायलॉग बॉक्स शो होगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको GST डिटेल को एप्लीकेबल कराना है, यानी यहाँ पर एंटर करके आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स और ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दिल्ली रेगुलर और यहाँ पर आपको सिंपल अपना GST नंबर फिल करना होगा। तो GST नंबर मैं अपना डाल देता हूँ, तो GST नंबर हमने यहाँ लिखा हुआ है, मैं अपने GST नंबर को यहाँ से करता हूँ कॉपी और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको फिल कर देता हूँ। GST नंबर फिल करने के बाद मैं इसको सिंपल एंटर करके सेव कर दूंगा, आप भी इसे सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आप इसे भी एंटर एंटर करके सेव कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे आपकी एक नई कंपनी क्रिएट हो चुकी है जिसमें अभी आपके पास किसी भी वाउचर की एंट्री नहीं है। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हम उसे सेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपनी डेट सेट करनी होगी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी डेट चेक कर लेते हैं। आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt के साथ F2। यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो चेंज पीरियड होगा वो 1/4/2021 से 31/3/2021 है, तो इसको हम यही रहने देंगे फाइनेंशियल ईयर को। इसके बाद आप यहाँ पर F2 प्रेस करिए, यहाँ पर अपनी करंट डेट डाल दीजिए, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 1/7/2021। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, अपने लेजर्स क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पर आपको जाना होगा क्रिएट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आपको जाना है लेजर के ऑप्शन पे। यहाँ से आप जाकर के अपने लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। तो मैं ये लेजर डायरेक्ट क्रिएट करूँगा, यहाँ से मैं इसको क्रिएट नहीं करूँगा। इसके बाद आपको अपनी आइटम्स क्रिएट करने होंगे जो कि आपके सामने आप देखेंगे यहाँ पर इन्वेंट्री मास्टर के अंदर लिखे हुए हैं, तो इन चीज़ों को भी मैं डायरेक्टली ही क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए मैं इसको भी स्कैप करके पीछे आ जाता हूँ। अब इसके बाद हम लोगों को जाना होगा वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स के अंदर जाने के बाद अब हमें प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड से F9। F9 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका सप्लाई इनवॉइस नंबर और डेट आ गया आपका, और यहाँ पर अब हमें अपनी पूरी डिटेल फिल करनी है। तो चलिए हम अपनी डिटेल फिल करते हैं। सप्लाई इनवॉइस नंबर में आप कोई भी इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं, जो भी आपका इनवॉइस नंबर है, हम यहाँ पर कोई भी इनवॉइस नंबर फिल कर देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी डेट डाल दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर डेट डाल देता हूँ 1/1/2021, जो पहले से ही मैंने यहाँ पर डेट सेट कर रखी है। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करिए। अब आपके सामने पार्टी नेम मांगेगा, तो यहाँ पर अपने पार्टी का लेजर बनाइए। यहाँ पर हम प्रेस करेंगे Alt+C और यहाँ पर हम पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं। तो पार्टी का जो हमारा लेजर है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो जो हमारी पार्टी है, हम पार्टी देख लेते हैं कौन सी पार्टी है हमारी। तो हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर पहले से ही अपनी डिटेल फिल कर रखी है। तो यहाँ पर हम जो पार्टी से परचेज करें वो पार्टी है हमारी आदित्य प्राइवेट लिमिटेड, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जाकर के हम इसको फिल कर लेते हैं। इसके बाद इसे एंटर प्रेस करिए और इसे अंडर ऑफ डाल दीजिए सिंड्री क्रेडिटर, क्योंकि मैं इससे माल खरीदने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ सिंड्री क्रेडिटर के अंदर।
इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर एंटर करके सेव करना है, और सेव करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी उस पार्टी का जीएसटी नंबर फिल करना होगा। तो जीएसटी नंबर देख लेता हूँ, उस पार्टी का जीएसटी नंबर क्या है। तो जीएसटी नंबर इसका यहाँ पर है, मैं इस जीएसटी नंबर को भी यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर भी मैं इसको जीएसटी नंबर फिल कर देता हूँ और इसको एंटर करके मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स और ओपन होगा, इसमें आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है, आप इसे एंटर करके यहाँ पे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर भी आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पार्टी का जो जीएसटी नंबर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा, आपको यहाँ पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक लेजर और क्रिएट करना होगा, परचेज का है। परचेज के लिए आपको यहाँ पर फिर से क्लिक करना है, यानी एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पर एक परचेज का लेजर क्रिएट कर लीजिए। परचेज का लेजर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर इसे अंडर ऑफ डाल दीजिए परचेज अकाउंट के। परचेज अकाउंट के अंदर डालने के बाद आप इसे नीचे आ जाए, यहाँ पर जो इन जीएसटी एप्लीकेबल है इसको एप्लीकेबल रहने देंगे आप, और यहाँ पर इस ऑप्शन को नो रहने देंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ से आपके सामने दो ऑप्शन आ गया, एक गुड्स का एक सर्विस का। तो हम यहाँ पर गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम गुड्स रखेंगे और उसके बाद हम इसको भी एंटर करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने आइटम्स क्रिएट करने हैं, तो आइटम क्रिएट करने के लिए भी आप डायरेक्ट ऑल्ट सी कर सकते हैं आइटम क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पर आप अपने आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं अपना आइटम क्रिएट करता हूँ, मान लीजिए हमारा जो आइटम है वो है माउस, मैं एक माउस परचेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर माउस को कॉपी करिए, यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप खुद से टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद इसको अंडर ऑफ किसके डालेंगे, तो माउस है क्या, किसके अंडर जाएगा हमारा, तो हम इसे डाल देते हैं कि ये एक हमारा हार्डवेयर है, तो इसको हम अंडर ऑफ हार्डवेयर डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने कैटेगरी वगैरह सब आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, आप उसे अच्छी तरीके से देख के यहाँ पर उसे फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कैटेगरी नहीं लूँगा, डायरेक्ट मैं इसे अंडर ऑफ डाल करके फटाफट अपनी जीएसटी को एक्टिवेट करूँगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑल्ट सी कर देते हैं। ऑल्ट सी करने के बाद यहाँ पर हमारा जो ग्रुप था वो तो हार्डवेयर, तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ और इसके बाद एंटर करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिड, यहाँ पर मुझे आइटम्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आइटम खुद से ऐड करूंगा। और यहाँ पर आप देखेंगे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ पर इसको आपको येस कराना होगा। यहाँ पर येस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई, HSN कोड आ गया और बाकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। अगर आपके सामने ये डिटेल्स ना आए तो आप अपने कीबोर्ड से यहाँ पर F12 प्रेस कर सकते हैं और आपको ये सारी डिटेल यस करनी पड़ेगी। जैसे ही आप इन डिटेल्स को यस करा देंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये सारे के सारे ऑप्शन शो अप हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपके आइटम से रिलेटेड इसका नाम है। तो हम ले देते हैं यहाँ पर हार्डवेयर, और इसके बाद आप इसका HSN कोड डाल दीजिए। तो इसका जो HSN कोड था वो 8471 है, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको रखना है इसको टैक्सेबल, क्योंकि ये जो आइटम है इसके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो यहाँ पर हम इसे टैक्सेबल रखेंगे। टैक्सेबल रखने के बाद आप नीचे आ जाइए और यहाँ पर आपका जो भी टैक्स लग रहा है, जितना परसेंट टैक्स लग रहा है वो उतना परसेंट टैक्स डाल दीजिए। तो हमारा यहाँ पर लग रहा है 18% का टैक्स, ये रहा, तो हम यहाँ पर 18% का टैक्स लेते हैं और इसको एंटर करके सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी आज की, तो इसको एंटर करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर आपकी यूनिट्स मांग रहा है, तो यूनिट्स मैंने आपको बताया था कैसे बनता है, यहाँ पर आप डायरेक्ट बना सकते हैं। हम यहाँ पर ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पर हम यूनिट्स बनाएंगे पीसीस, यानी PCS का सिंबल दे देंगे, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म लिख देंगे। और इसके बाद पीसीस आपका पैक्स में मिलता है, पेयर्स में मिलता है या पीसीस में मिलता है, तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पैक्स और उसके बाद मैं इसको एंटर करके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी आपका जीएसटी डिटेल्स मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर जीएसटी डिटेल दे रखी है। आपको हर जगह जीएसटी डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको सिंपल एंटर करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप देखेंगे आपकी क्वांटिटी आपसे मांग रहा है कि कितने पीस आप परचेज करने वाले हैं, तो हम दे देते हैं यहाँ पर 10 पीस। मान लीजिए मैं 10 पीस परचेज कर रहा हूँ। रेट आपका क्या है, तो रेट मान लीजिए हमारा है 150 रुपीज, और इसके बाद ये हमारा टोटल अमाउंट हमें रिप्रेजेंट करा देगा। इसके बाद हम दूसरा आइटम ले लेते हैं, तो जो हमारा दूसरा आइटम है वो है हमारा कीबोर्ड, तो मैं यहाँ से कीबोर्ड डाल देता हूँ। ऑल्ट सी करेंगे आप यहाँ पर भी और कीबोर्ड टाइप करेंगे। सेम इसी तरीके से इसको भी अंडर ऑफ हार्डवेयर दे देते हैं क्योंकि बार बार आपको ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसे हार्डवेयर के अंदर दे दीजिए। यहाँ पर पीसीस वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आपकी कोई यूनिट दूसरी है तो आप यहाँ पर अपनी दूसरी यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है। आप सिंपल इसे एंटर करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर इसकी क्वांटिटी मांग रहा है, तो यहाँ पर हम इसकी भी क्वांटिटी डाल देते हैं। मान लीजिए 10 पीस है और इसका जो प्राइस है वो 250 रुपीज़ है, और इसने टोटल अमाउंट इसका कैलकुलेट कर दिया 2500। और अगर हम टोटल अपनी परचेजिंग देखें तो यहाँ पर हमारे सामने 4000 का अमाउंट शो हो रहा है।
इसके बाद हम इसे एंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे। अब आपको अगर और आइटम्स लेने हैं तो यहाँ पर और आइटम्स ले सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ से दो आइटम परचेज करेंगे और यहाँ पर हम इसको एंटर करके सेव करेंगे। अब इसके बाद जब हम एक बार और एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर अब हमें अपना जीएसटी ऐड करना होगा। तो जीएसटी के लिए हम यहाँ पर जीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी पार्टी है आदित्य प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी दिल्ली की ही पार्टी है। तो यहाँ पर हमारा जो टैक्स लगेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का लगेगा। तो यहाँ पर आप ऑल्ट सी करिए और यहाँ पर आप लेजर बना लीजिए सीजीएसटी का और इसे अंडर ऑफ डाल दीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस डालने के बाद आप यहाँ पर ले लीजिए जीएसटी और जीएसटी के बाद इसे ले लीजिए सेंट्रल टैक्स, क्योंकि सीजीएसटी हमारा सेंट्रल टैक्स होता है। यहाँ पर आपको कोई परसेंटेज फिल करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसे एंटर करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप देखेंगे आपका सीजीएसटी आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। इसके बाद सेम इसी तरीके से आप एसजीएसटी भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर ऑल्ट सी करिए, यहाँ पर लेजर बनाइए अपना एसजीएसटी का और इसको भी सेम इसी तरीके से ड्यूटीज एंड टैक्सेस डाल दीजिए। यहाँ पर जीएसटी ले लीजिए और यहाँ से ले लीजिए स्टेट टैक्स और यहाँ पर भी आपको एंटर करके इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप देखेंगे जो अभी तक हमारा अमाउंट आ रहा था वो आ रहा था 4000 का। अब आप देखेंगे यहाँ पर 720 रुपीज हमारा जीएसटी टैक्स लग गया। तो चलिए इसको एंटर करके हम इसको सेव करा देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आप इसे न्यू रेफरेंस रख सकते हैं और इसे एंटर करके सेव कर दीजिए। हमारी फर्स्ट परचेज एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, हमने परचेज कर लिया है। इसके बाद जो हम परचेजिंग करने वाले हैं वो हम दूसरी पार्टी से परचेज करने वाले हैं, यानी कि इंटरस्टेट परचेज करने वाले हैं। तो इंटरस्टेट परचेज करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो पार्टी है वो कमल इंडस्ट्रीज है। तो हम कमल इंडस्ट्रीज का दोबारा एक लेजर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप इसका जो भी सप्लाई नंबर इनवॉइस नंबर है वो डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पर ऑल्ट सी करता हूँ, यहाँ पर लेजर बना लेता हूँ कमल का। तो कमल यहाँ पर हमारा कमल इंडस्ट्रीज है, तो यहाँ पर मैं कमल इंडस्ट्रीज लिख लेता हूँ। इसके बाद इसको यहाँ पर डाल दूंगा सिंड्री क्रेडिटर, क्योंकि ये भी हमारा सिंड्री क्रेडिटर है, मैं इससे भी माल परचेज कर रहा हूँ। और इसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर उसका स्टेट चेंज करना होगा। तो इसका जो स्टेट है वो है हमारा यूपी, तो यहाँ पर हम ले लेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लेने के बाद यहाँ पर आप उसका पिन कोड वगैरह फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई डिटेल फिल नहीं कर रहा हूँ, आपको पूरी डिटेल फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर उनका जीएसटी नंबर फिल करना है अपनी पार्टी का। तो हमारी पार्टी का जो जीएसटी नंबर है कमल का वो ये रहा, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से जा करके इसमें फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको एंटर करके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर भी आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एंटर करके इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश यानी कमल इंडस्ट्रीज का जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, सिंपल आपको इसको एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने परचेज का लेजर शो हो गया। आप इसी परचेज को वापस ले लेंगे, आपको बार बार परचेज का लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम परचेज ले लेंगे। परचेज लेने के बाद आप यहाँ पर स्पेस दबाइए, यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने अभी रिसेंटली आइटम्स परचेज किए थे 10-10 पीस वो हमारे सामने शो हो गए। लेकिन हम यहाँ से जो आइटम्स परचेज करने वाले हैं वो दूसरे आइटम्स परचेज करने वाले हैं। हम परचेज करने वाले हैं एमएस ऑफिस का एक एप्लीकेशन परचेज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अपनी टैली में वापस चले जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है और अपने आइटम का नेम डाल दीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो आइटम था वो एमएस ऑफिस था और इसके बाद इसे अंडर ऑफ डाल दीजिए, ये क्योंकि ये हार्डवेयर नहीं है, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है। तो इसको यहाँ पर ऑल्ट सी करिए, एक नया आपको ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ सॉफ्टवेयर का एक नया ग्रुप। इसके बाद इसको अंडर ऑफ प्राइमरी दे करके मैं यहाँ नीचे सेव कर दूंगा। लेकिन आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना होगा सेट अल्टर जीएसटी के अंदर, यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को वापस यस कराना होगा। और इसके बाद आपको अपना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देना है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ ये है क्या चीज़ हमारा। तो ये एक तरीके से हमारा एमएस ऑफिस है, यानी एमएस ऑफिस का एक एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप अपना HSN कोड डाल सकते हैं। तो एमएस ऑफिस का जो HSN कोड है हमारा वो हमारा ये है। तो हम यहाँ पर इसे फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर भी आपको सेम एज इट इज़ यहाँ पर टैक्सेबल रखना होगा। टैक्सेबल रखने के बाद यहाँ पर अपना जो जीएसटी रेट है वो फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा जीएसटी रेट 12% है, तो हमें 12% ले लेते हैं। इसके बाद इसे एंटर करके आप पास करा दीजिए, सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अब ये हमारा पीसेस में मिलता है या नंबर्स में मिलता है, तो यहाँ पर जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। नया क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको क्रिएट करना भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप डायरेक्टली क्रिएट में जाइए। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए NOS और यहाँ पर लिख दीजिए नंबर। और इसके बाद आप यहाँ पर जैसे आप N दबाएंगे तो यहाँ पर NOS आपका शो हो जाएगा। इसे ले लीजिए और इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको सेम कोई छेड़खानी नहीं करनी, सिंपल एंटर करके आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर भी आपसे क्वांटिटी मांग रहा है, तो हमारी जो क्वांटिटी थी वो थी 5 पीस, तो यहाँ पर हम 5 ले लेंगे। इसके बाद इसका जो प्राइस था वो 45,000 था, तो यहाँ पर हम 45,000 दे देंगे।
इसके बाद ये ऑटोमेटिक इसको कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद दूसरा आइटम ले लेते हैं इसी तरीके से, फिर से आप ऑल्ट सी करिए। और दूसरा जो हमारा आइटम है वो एचपी का प्रिंटर है हमारा, तो हम एचपी का प्रिंटर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो आइटम जो था हमारा वो ये था, मॉडल नंबर हमारा एचपी M1005 था। और इसके बाद यहाँ पर इसे आप हार्डवेयर में दे सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पर इसे आप पीसीस में दे सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पर आप इसे कुछ भी छेड़खानी ना करते हुए सीधे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर इसकी क्वांटिटी डालनी है, तो इसकी क्वांटिटी 3 पीस थी। और इसका जो प्राइस डालना है वो प्राइस था हमारा 18,500, तो यहाँ पर दे देते हैं हम लोग 18,500। और इसके बाद इसे एंटर करके सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर एक बार और एंटर प्रेस करिए। अब आपको यहाँ पर टैक्स लगाना है, तो टैक्स लगाने के लिए जो यहाँ पर हमारा टैक्स लगेगा वो IGST लगेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा इंटरस्टेट है। तो हम यहाँ पर ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पर लेजर बना लेते हैं IGST का, IGST काउंटर ऑफ डाल दीजिए सेम इसी तरीके से ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। और उसके बाद यहाँ से ले लीजिए GST और यहाँ से ले लीजिए इंटीग्रेटेड टैक्स। यहाँ पर आपको कोई भी नंबर फिल नहीं करना, सिंपल एंटर करके आप इसे सेव करा दीजिए। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे आप देखेंगे आपका IGST भी शो हो गया। इसके बाद आपका जो टोटल अमाउंट था यहाँ कैलकुलेट होकर के आपके सामने शो अप हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपल यस कराना है। यस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल ऑटोमेटिक शो हो गई। ईवे बिल बनाना चाहते हैं अगर आप, तो यहाँ पर पूरी डिटेल आप अपनी फिल कर दीजिए, अदरवाइज इसे एंटर एंटर करके आप इसे सेव कर दीजिए। इसके सेव करने के बाद अब यहाँ पर न्यू रेफरेंस आ गया, तो हम यहाँ पर न्यू रेफरेंस में इसे एंटर करके सेव कर देंगे। इसके बारे में मैं आपको एक नई वीडियो बना करके समझाऊंगा कि आखिर ये रेफरेंस होते क्या हैं। इसे भी एंटर करके आप सेव कर दीजिए। तो हमने जो दो पार्टीज से माल खरीदा वो हमने क्या क्या खरीदा, कितनी क्वांटिटी में खरीदा, अब हम उसको चेक कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए आप एक बार स्कैप करके पीछे आ जाइए। पीछे आने के बाद आपको यहाँ पर बैलेंस शीट में आना है। बैलेंस शीट में आने के बाद आप देखेंगे आपके पास जो करंट एसेट्स है वो टोटल इतने की है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इस पर डबल क्लिक करिए। यहाँ पर आप देखेंगे आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इतने अमाउंट का है। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास हार्डवेयर इतने का है, सॉफ्टवेयर आपके पास इतने का है, टोटल अमाउंट आपका ये रहा। अगर आप हार्डवेयर चेक करना चाहते हैं तो हार्डवेयर पे क्लिक मारिए। आपके पास 3 हार्डवेयर हैं। एक आपका HP का प्रिंटर है, एक आपका कीबोर्ड है, एक आपका माउस है। उनके प्राइस, उनकी क्वांटिटी, उनका टोटल प्राइस आपके सामने शो हो गया। इसके बाद स्कैप करके पीछे आ जाइए। यहाँ पर अगर आप सॉफ्टवेयर देखना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर हमारे पास सिंपल एक ही है, और यहाँ पर हमने 5 की क्वांटिटी में खरीद रखा है, उसका प्राइस है, उसका टोटल प्राइस है। इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं इसकी करंट लायबिलिटी, यानी आपके ऊपर उधार कितना आ गया है, तो ये टोटल आपका लायबिलिटी है, यानी इतना पैसा आपको देना है। किसको देना है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपको इतना पे करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे सिंडिकेटर्स को आपको इतना पैसा देना है, टोटल अमाउंट आपका यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ GST R1, R2, R3 भी किस तरह से देखा जाता है। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से या तो कंट्रोल G प्रेस करिए, या फिर यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना होगा GST रिपोर्ट के अंदर, और यहाँ से आप अपना GST R1, R2, R3 भी चेक कर सकते हैं। R1 में हमने कोई सेल नहीं की है, तो हम सीधे R2 देखेंगे। R2 जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अभी हमारी कोई ट्रांजेक्शन शो नहीं कर रहा है। क्यों शो नहीं कर रहा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद आपको अपना चेंज पीरियड डालना होगा, किस डेट से किस डेट तक आप अपनी ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 1/4/21 से लेकर के 31/3/22 तक सारी ट्रांजेक्शन हमारी शो हो जाए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर अपनी करंट डेट डाली, आप देखेंगे यहाँ पर हमारी 2 ट्रांजेक्शन यहाँ पर शो हो गई। इसके अंदर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारी जो टोटल परचेजिंग थी वो यहाँ पर आ गई। यहाँ पर हमारा टैक्सेबल अमाउंट शो हो रहा है, यहाँ पर टैक्स जो हमें पे करना है वो शो हो रहा है। इसके बाद इस पर डबल क्लिक करके अपनी पूरी ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद स्कैप करके आप पीछे आ जाइए। इसके बाद अगर आप अपना ITC देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे ITC की आपका यहाँ पर ऑप्शन शो हो गया। यहाँ पर जाने के बाद आपको स्टेटस वाइज व्यू कराना है। व्यू कराने के बाद आप देखेंगे आपकी ट्रांजेक्शन यहाँ पर शो हो जाएंगी। यहाँ पर डबल क्लिक मारिए, यहाँ पर आपने जितनी परचेजिंग कर रखी है वो सारी अमाउंट आपके सामने शो हो जाएगा यहाँ पर। यही चीज़ अगर आप मैनुअली जाना चाहते हैं तो मैनुअली जाने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जाना होगा यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर। यहाँ से आपको जाना होगा GST रिपोर्ट्स के अंदर, और यहाँ से आपको GST R1, R2 सब कुछ शो हो जाएगा। GST R1 में हमारे सामने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं आ रही है क्योंकि अभी तक हमने कोई सेल नहीं की है। R2 में अगर हम देखेंगे तो R2 में हमारी डिटेल्स मैंने आपको दिखाई थी वो शो हो रही थी। इसके बाद हम इन्हीं आइटम्स को सेल करके देखते हैं। सेल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो GST R1 है वो किस तरह से शो होगी। तो इसके लिए वापस चले जाते हैं हम लोग वाउचर्स के अंदर।
यहाँ से आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा F8। F8 प्रेस करने के बाद आप पार्टी ले लीजिए जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं हम सेल किस पार्टी को कर रहे हैं। तो हम पार्टी को सेल कर रहे हैं पंकज इंडस्ट्रीज़ को। तो पंकज इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर आप लेज़र क्रिएट करिए। यहाँ पर आपको ऑल्ट सी प्रेस करना होगा। यहाँ पर पंकज इंडस्ट्रीज़ का लेज़र बनाना होगा। यहाँ पर आप इसे डालेंगे सिंडी डेबिटर के अंदर। सेंडी डेबिटर के अंदर डालने के बाद सेम इसी तरीके से इसको भी सेव कर देंगे। अब ये जो हमारा पंकज इंडस्ट्रीज़ है वो दिल्ली का क्लाइंट है हमारा, यानी दिल्ली में ही हमसे परचेज कर रहा है, तो लोकल टैक्स लगेगा एक तरीके से हमारा। इसका जो GST नंबर है वो हम यहाँ से इसकी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर उसका GST नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर आप उसकी पैन डिटेल भी फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ GST नंबर फिल कर रहे हैं। GST नंबर फिल करने के बाद आप इसे एंटर करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद इसे भी एंटर करके सेव कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे पंकज का GST नंबर शो हो गया। इसको आप कंट्रोल ए करके क्विक क्रिएशन कर दीजिए। यहाँ पर आपको एक लेज़र और क्रिएट करना पड़ेगा सेल का। तो सेल का लेज़र हमने बनाया नहीं था, इसलिए हम सेल का एक लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। सेल्स का लेज़र बना के सेल अकाउंट में डाल देते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हम GST को एप्लीकेबल कराने के बाद यहाँ पर इस ऑप्शन को नो रखेंगे और यहाँ पर हम गुड्स रखेंगे और उसके बाद हम इसको एंटर करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब जिस आइटम को हम सेल करना चाहते हैं उस आइटम को यहाँ से ले लेते हैं। तो हमारे पास HP का जो प्रिंटर है वो 3 पीस है, तो 1 पीस हम लोग यहाँ पर सेल कर देते हैं। 1 पीस सेल करने के बाद अब इसका रेट हमें देना होगा कि भाई इसका रेट कितना था। तो हम पहले देख लेते हैं हमारी जो परचेजिंग रेट था वो कितना था। तो जो हमने परचेज किया था इसको, वो परचेज किया था 18,500 में। तो मैं इसको एक्स्ट्रा अमाउंट में सेल करूंगा, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ उसको 20,000 रुपये ताकि हमें भी कोई प्रॉफिट हो। इसके बाद दूसरा आइटम क्या मैं सेल करना चाहता हूँ, दूसरा आइटम मैं सेल करना चाहता हूँ MS ऑफिस। तो MS ऑफिस सेल करना चाहता हूँ। यहाँ पर इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी भी 1 पीस में सेल करना चाहता हूँ। इसका जो प्राइस था वो 45,000 था, तो मैं इसको 50,000 में सेल कर देता हूँ और उसको एंटर करके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप नीचे आइए, यहाँ पर आपका टैक्स लगेगा। क्या लगेगा, CGST और SGST लगेगा क्योंकि हमारा लोकल स्टेट है। यहाँ पर आप देखेंगे आपका CGST शो हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे आपका SGST तो यहाँ पर SGST भी आपका शो हो जाएगा। आप एंटर प्रेस करिए, यहाँ देखिए टोटल अमाउंट आपका नीचे शो हो गया। इसको भी आप एंटर करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद हम दूसरी सेल कर लेते हैं IGST की। तो यहाँ पर हम दूसरा पार्टी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो दूसरी पार्टी है वो है हमारी अमन कॉरपोरेशन। तो अमन कॉरपोरेशन का लेज़र क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ऑल्ट सी करेंगे। ऑल्ट सी करने के बाद यहाँ पर अमन कॉरपोरेशन का लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। इसको भी हम डाल देंगे अपने सिंडी डेबिटर के अंदर क्योंकि हमारी सेल हो रही है, तो ये हमारा सिंडी डेबिटर होगा। यहाँ पर हम इसे एंटर करके सेव करेंगे। यहाँ पर जो है ये हमारा स्टेट गोवा है, यानी ये जो हमारा पर्सन है वो गोवा का पर्सन है, गोवा में हम सेल कर रहे हैं। इसके बाद इसे एंटर प्रेस करके सेव करिए। यहाँ पर इसका GST नंबर ले लीजिए। तो GST नंबर इसका ये रहा। इसके GST नंबर को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप GST नंबर फिल कर दीजिए और उसके बाद इसे सेव कर दीजिए। इसे सेव करने के बाद इसे भी आप कंट्रोल ए करके क्विक क्रिएशन कर सकते हैं और इसे भी कंट्रोल ए करके क्विक क्रिएशन कर दीजिए। यहाँ पर सेल का लेज़र ले लीजिए जो हमने पहले बनाया था। आपको बार बार लेज़र्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर स्पेस दबाइए। स्पेस दबाने के बाद आप यहाँ पर किस किस आइटम को सेल करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं माउस को सेल करना चाहता हूँ। माउस की क्वांटिटी कितनी है, मैं 5 पीस सेल करना चाहता हूँ। तो माउस हमने परचेज किया था 150 का, तो मैं इसको 200 रुपीज़ में सेल करूँगा ताकि मुझे भी प्रॉफिट हो। और उसके बाद मैं ले लेता हूँ कीबोर्ड्स को। तो कीबोर्ड हमारा कितना था, तो हम 5 पीस इसको भी सेल कर रहे हैं। ये 250 तक का था, तो हम इसको 300 में सेल करेंगे। सेल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट आ गया। इसके बाद आप यहाँ पर टैक्स लगाएंगे अपना। तो टैक्स के लिए आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए आई, यानी IGST। जैसे ही आप IGST लेते हैं तो आपका IGST का टैक्स यहाँ पर शो हो जाएगा। आप इसको एंटर करके सेव कर दीजिए। एंटर करके सेव करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ फिर से बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में हमारे क्या चेंजेस आई है, तो स्कैप करके हम पीछे चले जाते हैं। स्कैप करके पीछे जाने के बाद आप चले जाइए अपने बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर करंट लायबिलिटी आपकी 2,94,550 रुपये दिखा रहा है और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपका 7,000 शो हो रहा है। अब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ कि ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने जो अभी परचेजिंग की थी उसमें हमने परचेज किया था जो हमारा गुड्स था टोटल वो हमारा 72,500 का गुड सेल हुआ है, लेकिन उसकी जो करंट वैल्यू थी वो थी 65,500। तो इसी वजह से हमें जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 7,000 का प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर करंट एसेट्स अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर करंट एसेट्स आपका इंक्रीज हो गया। यहाँ पर सेंडी डेबिटर के पास हमारे पास अभी इतना पैसा हमें रिसीव करना है और क्लोजिंग स्टॉक हमारा ये रहा। तो चलिए इसके बाद हम चले जाते हैं वापस GST देख लेते हैं अपनी। डिस्प्ले में जाना है आपको, यहाँ से आपको जाना है GST रिपोर्ट्स के अंदर और यहाँ से आपको जाना है GST R1 के अंदर। इसके अंदर आप देखेंगे सेम 0 ट्रांजेक्शन है, तो आपको F2 प्रेस करना है, अपनी करंट डेट डालनी है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं अपना फाइनेंशियल ईयर, तो 1/4/21 से लेकर के 31/22।
एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो ट्रांजेक्शन था वो शो हो गया। इस पर डबल क्लिक करिए, यहाँ पर आपको आपने जो सेल की है वो इतने इतने अमाउंट्स की सेल की है। इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो ट्रांजेक्शन थी वो सब कुछ शो कर जाएगा। तो यहाँ से आप जीएसटी अपनी देख सकते हैं, सेल्स दे सकते हैं, तो यहाँ से आप अपनी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे आपका HSN कोड भी आपका शो हो रहा है, और यहाँ से आप इस पर डबल क्लिक करके पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूज़ आपके सामने दिया हुआ है, नेचुरल व्यू में जा करके आप इसे देख सकते हैं कि आपकी टोटल टैक्सेबल पेबल अमाउंट कितना है और टोटल टैक्स कितना है आपका, आउटवर्ड कितना है, ये सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं यहाँ से पीछे। पीछे जाने के बाद अब जो हमने सेल की थी हम उससे अपना पैसा रिसीव करेंगे, तो अपने वाउचर्स में चले जाते हैं। वाउचर्स में जाने के बाद आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए F6। F6 प्रेस करने के बाद यहाँ पर अपना रिसीविंग कर सकते हैं। तो रिसीविंग के लिए हम यहाँ पर प्रेस करेंगे Ctrl+H। Ctrl+H करने के बाद यहाँ पर हम सिंगल एंट्री लेंगे। सिंगल एंट्री मोड लेने के बाद अब हमें जितना पैसा जिससे लेना है वो रिसीव कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैं रिसीव कर रहा हूँ किससे, कैश रिसीव कर रहा हूँ, किससे रिसीव कर रहा हूँ, तो मुझे किससे पैसा लेना है, मैंने किस किस को सेल किया था। तो मैंने जो सेल किया था वो पंकज को सेल किया था और अमन को सेल किया था। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फिलहाल पंकज। पंकज को लेने के बाद मैं यहाँ पर अमाउंट ले लेता हूँ। तो अमाउंट मुझे लेना है पंकज से टोटल इतना 79,600। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 79,600। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप इसे एड्रेस रेफरेंस ले लीजिए और इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपका ये जो अमाउंट था वो रिसीव हो चुका है। इसके बाद हम दूसरा अमाउंट रिसीव कर लेते हैं, यहाँ से वापस कैश ले लीजिए। कैश लेना चाहें, चेक लेना चाहें, आप यहाँ पे ऑल्ट सी करके लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम कैश ही रिसीव कर रहे हैं। हमें दूसरा, हमारी जो दूसरी पार्टी थी वो कौन थी, तो वो पार्टी थी हमारी अमन कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अमन कॉरपोरेशन। अमन कॉरपोरेशन लेने के बाद जो हमें अमन से अमाउंट लेना है वो लेना है 2950 रुपीज़। तो यहाँ पर ले लेते हैं 2950 रुपीज़। एंटर करके आप इसको भी सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अब आप देखेंगे हमारे पास कैश आ गया। वापस बैलेंस शीट पे जाते हैं। बैलेंस शीट पे जाने के बाद आप देखेंगे करंट एसेट्स। तो यहाँ पर जो आपका सैलरी डेबिटर में अमाउंट शो हो रहा था वो आपके पास कैश इन हैंड शो हो गया। अब आपको जिस पार्टी को पैसा देना है उसे पैसा दे सकते हैं। तो हम जो अभी हमारे सामने जो करंट लायबिलिटी शो हो रही है तो वो तो ज़्यादा शो हो रही है, तो हम थोड़ा थोड़ा पैसा दूसरी पार्टीज को पे कर देते हैं। तो इसके लिए हम चले जाते हैं वापस अपने वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पर प्रेस करिए F5। F5 प्रेस करने के बाद ले लीजिए कैश। कैश आपके पास टोटल इतना है और आपको किस किस पार्टी को पैसा देना है वो ले लीजिए। तो हमें लेना है एक तो आदित्य कॉरपोरेशन को पैसा देना है। आदित्य कॉरपोरेशन को हमें 4,720 रुपीज़ देने हैं। तो मैं आदित्य प्राइवेट लिमिटेड का पूरा अमाउंट क्लियर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ले लेता हूँ 4,720 रुपीज़। इसको एंटर प्रेस करके यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए आप, इसका जो अमाउंट था वो जीरो हो गया, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो कैश था वो हमारा माइनस हो गया। एंटर करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद दोबारा कैश लेता हूँ। कैश लेने के बाद अब यहाँ पर जो हमारी दूसरी पार्टी थी वो पार्टी थी हमारी कमल इंडस्ट्रीज़। तो हम कमल इंडस्ट्रीज़ को ले लेते हैं। कमल इंडस्ट्रीज़ को मुझे 3,17,490 रुपये देने हैं। तो मैं यहाँ पर इसे फिलहाल 50,000 दे रहा हूँ, बाकी अमाउंट मैं उसको बाद में दूंगा। तो यहाँ पर मैं 50,000 ले लेता हूँ। 50,000 लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एडजस्ट का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पर हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देखेंगे आपका 50,000 रुपये यहाँ पर लेस हो गया, और हमारे पास जो करंट बैलेंस बचा वो 27,830 रुपये बचा है। हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप स्कैप करके पीछे चले जाइए। पीछे जाने के बाद आप बैलेंस शीट वापस चेक करिए। बैलेंस शीट चेक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो करंट लायबिलिटी थी वो डिक्रीज हो गई। आपका प्रॉफिट एंड लॉस 7,000 ही शो कर रहा है, क्योंकि आपका प्रॉफिट इतना ही हुआ है। बाकी अमाउंट जब हम सेल करेंगे तो उसका अमाउंट हमें पे करना होगा। यहाँ पर चले जाते हैं करंट एसेट्स के अंदर। तो करंट एसेट्स के अंदर हमारा इतना एसेट्स है, इतना हमारे पास। इसके बाद अगर आप अपना इनवॉइस देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा डेबुक के अंदर। तो अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए डी। दो बार डी प्रेस करने के बाद आपकी डेबुक यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने जो भी सेल की है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं पंकज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी सेल की ट्रांजेक्शन शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt+P। Alt+P प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर करंट को क्लिक करना होगा। करंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर, आपके सामने तीन ऑप्शन आ रहे हैं। पहला कॉन्फिगर, यानी कि आप अपने इनवॉइस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको कॉन्फिगरेशन करना होगा। दूसरा प्रीव्यू, अगर आप इसका प्रीव्यू लेना चाहते हैं, यानी आप सिर्फ प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि आपका जो बिल है वो इनवॉइस है उसमें कोई गलती तो नहीं है, तो यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप इसका प्रिंट देना चाहते हैं तो डायरेक्टली प्रिंट पर क्लिक करके हम इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका ये इनवॉइस आपके सामने जनरेट हो गया। इसके बाद आप इसको जूम करने के लिए अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ जेड प्रेस करिए। ऑल्ट के साथ जेड प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी कंपनी का GST नंबर, उसका नाम, यहाँ पर आपकी पार्टी का GST नंबर और उसका नाम,
शो हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी आइटम्स की डिटेल, आइटम की क्वांटिटी, HSN नंबर, प्राइस, CGST, SGST, टैक्सेशन पूरा का पूरा आपके सामने शो हो रहा है, आपका इनवॉइस नंबर, आपका डेट, और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपका HSN कोड और उसके हिसाब से उसकी वैल्यू, यहाँ पर GST डिटेल्स वगैरह सब कुछ आपके सामने यहाँ पर डिस्क्राइब हो रखी है। इसके बाद मैं एक नई वीडियो और बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस को रिप्रेजेंट करूंगा, यानी इनवॉइस के अंदर जितनी भी कमियां हैं मैं उसको डिफाइन करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास आइटम्स हैं तो इनकी आइटम्स की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आप यहाँ पर किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आप अपनी कंपनी का लोगो देना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसका डुप्लीकेट बिल निकालना चाहते हैं, जैसा कि होता है एक ओरिजिनल बिल होता है बाकी डुप्लीकेट्स होते हैं, तो अगर आपको डुप्लीकेट बिल निकालना है तो वो डुप्लीकेट बिल आप किस सेटिंग से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो बैंक की डिटेल्स होती हैं, जो यहाँ पर आपके बैंक की डिटेल शो होती हैं, वो डिटेल किस तरह से आप अपने इनवॉइस में प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो आने वाली है वो टैक्स इनवॉइस के ऊपर आने वाली है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।